हेलो स्टूडेंट वेलकम टू परम गुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सहरसा माय सेल्फ कृतिका भाटिया क्लास फोर्थ सब्जेक्ट नेम इज सोशल स्टडी यूनिट सेकंड एंड द चैप्टर नेम इज़ अवर अर्थ फर्स्ट वी लर्न अबाउट द अवर अर्थ हमारा अर्थ कैसे बना और उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ओके सो स्टार्ट द अर्थ इज यूनिक प्लानट ओके इट इज़ द ओनली प्लानेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज़ लाइफ दिस मेक इट्स यूनिक ये इसे यूनिक बनाता है ओके द एक्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर बिकॉज यहाँ पे लाइफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पानी है एयर हैविंग ऑक्सीजन लाइट एंड टेम्परेचर ओके दैट इज द नैदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड यहाँ पे पानी के साथ साथ हवा ऑक्सीजन लाइट प्रकाश टेम्परेचर तापमान और इसके साथ साथ नैदर हॉट टू हॉट बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज्यादा नहीं ज़्यादा ठंडा है और ना ज़्यादा गर्म है जिसके कारण हमारा अर्थ यूनिक प्लानट कहा गया है ओके सर हाउ डिड द अर्थ बिगेन हमारा अर्थ की शुरुआत कैसे हुई इन द बिगनिंग द अर्थ वॉज जस्ट अ यूज बॉल ऑफ अ हॉट गैस ओके एंड द डस्ट आई अगेन रिपीट वॉट इज द अर्थ बिगिनिंग इज द अर्थ वॉज जस्ट अज बॉल ऑफ द हॉट गैस एंड डस्ट ओके इट वॉज द स्पाइनिंग वेरी फास्ट और इसलिए बहुत ज़्यादा तेज तरी गति में घूमता था एज द कैफ्ट स्पाइनिंग द गैस स्लोली कोल्ड डाउन एंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ बिकन कोल्ड हार्ट एंड सॉलिड जब इत बहुत तेज़ी से घूमने लगा तो इसकी जो गैसेस होने लगी वो स्लो हो गई और ठंडी पड़ने लगी ओके okay? इसलिए इसका जो सर्फेस है वो बहुत इसलिए वो इसका जो सर्फेस है वो बहुत ठंडा भी नहीं है बहुत ज़्यादा हार्ट है और बहुत ज़्यादा सॉलिड भी है Okay, so what is the internal structure of the earth? The earth looks like a spherical ball, you know. So it is the consist to three major layers. How many layers? Three many layers. Which one? First is crust, second is mantle, third is core. Okay, first is crust. What is the crust? The outermost layer of the earth is called the crust. Then we live on it. Second is mantle below the crust lies the metal okay and the east consists of molten what is the molten made liquid by the heat okay the rocks called magma this is lava okay the third one is core the main part of the earth the below the metal lies the core it is the innermost part of the earth it is divided into two parts which one outer part and inner part okay इट इज़ द एक्सट्रीमली हॉट इट इज़ इट हैज़ हॉट गैसेस एंड मोल्टन रॉक मटेरियल टाइप अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ओके अब भी आ, अब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ओके सो फर्स्ट मैंने आपको बताया इसमें थ्री मेन लेयर्स होती है कौन कौन सी क्रस्ट मै क्रस्ट मेटल एंड कोर अब क्रश में भी दो लेयर्स मैज मोन होती है एक अपर एंड लोअर मतलब ऊपर की तरह और इंदर की तरह है ना उसी तरह से कोर में दो होती है इनर मतलब आंतरिक और आउटर मतलब बाहरी ओके अब स्ट्रक्चर में देख सकते हो जो व्हाइट जो मेन पार्ट है वो है इनर कोर उसके बाद आता है आउटर कोर फिर मेटल की बारी आती है ओके ये हमारा लोअर मेटल है और ये हमारा आउटर मेटल अपर मेटल है ओके और मेन फर्स्ट लेयर है हमारी क्रस जहाँ पे हम इंसान लेयर्स करते हैं इसके ऊपर भी थ्री लेयर लाइनेज बनी है जिसे हम कहते हैं एक्सोफियर थेमोसफियर मैसोफियर स्टेटोसफियर एंड प्रोपोस्फियर ओके जिसमें ये क्रस्ट पूरा बना हुआ होता है उसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखो हमारा स्ट्रक्चर पृथ्वी का कैसा बना है थ्री लेयर्स में दे रखा है इनर कोर जो बीच का मेन ये रेड वाला पार्ट है आउटर कोर जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, है ना और मेटल जो ऑरेंज लाइट येल्लो कलर का दिख रहा है वो ओके okay? इनर कोर काई का बना होता है सॉलिड आयरन एंड निकल का ओके okay? एंड आउटर जो कोर होता है वो लिक्विड आयरन और निकल्स का बना होता है और मेटल मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट से बना होता है ओके सो रिमेंबर दैट जो इनर कोर है वो सॉलिड आयरन एंड निकल से बना होता है ओके एंड आउटर कोर मेड बाय लिक्विड आयरन एंड निकल एंड मेटल मेड बाय मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट, ओके नेक्स्ट इज इमेजनरी लाइंस ऑफ द अर्थ अब व्हाट इज द इमेजरी लाइंस ऑफ द अर्थ एनिमजरी लाइन्स रन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द अर्थ अब सो वॉट इज द एक्सिस एक्सिस जहाँ पे हमारे जो अर्थ एक ही जगह पे स्पैंड करता रहता है घूमता रहता है उसे हम कहते हैं एक्सिस ओके सपोज आप एक क्लास में है और मैं आप एक ही जगह पर बार बार गोल गोल घूम रहे हैं तो वह क्या हुआ एक्सिस ओके स्टिल द एट एंगल तो आप किस एंगल में घूमेंगे सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री ओके टू द प्लान ऑफ द अर्थ ऑर्बिट और इसी तरह से वो उसके ऑर्बिट में कितनी एंगल्स को घूमता है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ टू वर्टिकल मतलब आड़ी तरफ से ओके okay? सो so, अब डिटेल में पढ़ते हम व्हाट इज द इमेजनरी लाइंस मैंने आपको बताया इमेजनरी लाइंस तो एग्जिस्ट करती है जैसे हमने देखा इस पार्ट में ओके okay? पहले मैं आपको लाइन समझाती हूँ ओके सो व्हाट इज़ द लाइन सो फर्स्ट जो मिडिल भाग में जो पोल खड़ा है इसे हम कहते हैं पोल ओके okay? जो खड़ा हुआ भाग है सबसे फर्स्ट लाइन हमारी इसे हम अर्थ की साइंस की भाषा में सोशल साइंस की भाषा में प्राइम मेरिडियन कहते हैं ओके व्हाट इज द नेम इज प्राइम मेरिडियन ओके जो लाइन जो स्टार्ट हुई है इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल जिसे हम शो करते हैं एन से और जो लास्ट पॉइंट होता है इसका उसे कहते हैं साउथ पोल इसे हम शो करते हैं एस से ओके प्राइम मेरिडियन जो बीच की प्रॉपर लाइन होती है मेन लाइन होती है ना और सबसे लार्जेस्ट लाइन भी होती है तो उसके बाद होता है इक्वेटर व्हाट इज द इक्वेटर सो एन एनिमेशन लाइन ड्रॉन द मिड वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ये आपके आगे नॉर्थ पोल साउथ ये मिड वे मतलब बीच की लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर ओके द डिवाइडेड इन टू द अर्थ फॉर इक्वल पार्ट्स राइट एंड दिस इज द लाइन द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ ऑफ द लेटीट्यूड ये हमारे जो लैटीट्यूड लाइन है जो दिख रही है आपको जो हमने लाइन आड़ी खींची है इसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लेटीट्यूड इसे हम कह जानते हैं इक्वेटर के नाम से इक्वेटर किस एंगल पे कर रहता है जीरो डिग्री पे ओके आ, देखो ये जो हमारी लाइन है इसे हम कहते हैं लेटीट्यूड ओके मतलब ये लेटी हुई इसलिए हम इसे कहते हैं लेटीट्यूड स्लिपिंग लाइन जिसे बोलते हैं उसके बाद जिस पर खड़ी लाइन होती है जहाँ पर खड़ी रहती है है ना इसे हम कहते हैं लॉन्गीट्यूड स्टैंडिंग लाइन ओके ये जो जितनी भी लाइन है ये सारी है स्टैंडिंग लाइन मतलब लॉन्गेट्यूड ओके और जितनी भी लाइन स्लिपिंग है जो सोई हुई दिख रही है ये होती है लेटीट्यूड ओके लिसन टू मी एंड ये जो पर, जो लेटीट्यूड्स की लाइंस होती है ये टोटल होती है वन एटी वन रिमेंबर देट जो लेटीट्यूड्स लाइन होती है जो लंबी लाइन जो स्लिपिंग लाइन्स है हमारी वो होती है वन एटी वन सेम एज आड़ी लाइन होती है लॉन्गिट्यूड ये होती है थ्री सिक्सटी ओके सो द इक्वेटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द ऑल एंड द ऑल्सो कॉल द ग्रेट सर्कल बिकॉज ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन होती है इसलिए हम कहते हैं ग्रेट सर्कल ओके इसी में आता है हमारा नॉर्थन हेमिसफियर और साउथन हेमिसफेयर सो वॉट इज द नॉर्थन हेमिसफेयर एंड साउथर्न हेमिसफेयर जो ये जहाँ पे इक्वेटर दो भागों में डिवाइड हुआ है ओके okay? so सो यह नॉर्थ पोल जो ऊपर का भाग हुआ ये क्या हुआ नॉर्थ तो इसे हम कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर ओके okay? और जो नीचे का जो हिस्सा है जहां पे साउथ हमारा बना हुआ है इसे हम कहते हैं साउथन हेमिसफियर ओके okay? सो so रिमेंबर दैट जो नॉर्थन पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थन हमिस्फियर एंड द अदर पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड साउथ पोल इज कॉल्ड साउथर्न हेमिसफियर ओके सो रिमेंबर दैट अब आते हैं हम इसके ग्रिड पे मतलब ये जो झाली झाली बनी हुई है आपको दिख रही है राइट ये इसे ये किसे इसे क्या कहते हैं हम ग्रिड इज द पैरलर्स लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ओके एंड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द कट इच अदर द राइट एंगल एंड द फ्रॉम द नेटवर्क ऑन द ग्लोब इट्स कॉल्ड ग्रीट ये जो लाइन्स बनी हुई है वेट ये जो लाइन्स बनी हुई है ना ये आपको दिख रही है पर ये देखो किसी भी एक दूसरे को टच कर रही है स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के बीच में नहीं तो ये जब आ, जब ये लाइन्स होती है इसके ऊपर इसे हम कहते हैं ग्रेट ओके जाली बन जाती है ना आपने जाली देखी है ये जिस एंगल पर कट होती है इसे ये होता है नाइन्टी डिग्री का एंगल ओके इसलिए हम इसे कहते हैं ग्रेट और इस पूरे सर्कल को क्या कहते हैं हम इक्वेटर के कारण ग्रेट सर्कल ओके आई थिंक आपको इमेजरिंग लाइन्स समझ में आ गई होगी ओके सो हाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट्स लाइन्स ऑफ द पैरलर्स यस लेटीट्यूड्स इट्स कॉल्ड आर्कटिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल में होता है ओके नॉर्थन हेमिसफेयर में होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थन हेमिसफेयर में होता है और मिड मिडवे इ द लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर ओके एंड देन साउथ साउथ हेमिस्फेयर में कौन सी लाइन आती है द टॉपिक ऑफ कैपरिकॉन एंड आर्कटिक सर्कल ओके नेक्स्ट इज अनदर इमेज लाइन दैट डिवाइडेड इन टू द अर्थ द टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड द इक्वेटर वी नो दैट द पार्ट ऑफ द अर्थ अबाउ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिसफियर एंड द पार्ट बिलो द इक्वेटर इज नॉन एज द साउथर्न हेमिसफियर ओके अब आते हैं हमें मूवमेंट ऑफ द अर्थ अब हा हमारा जो अर्थ है वो कैसे मूवमेंट करता है इसके टू टाइप्स है हाउ मेनी टाइप्स टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवोल्यूशन ओके सो फर्स्ट इज रोटेशन हैव यू ऑब्जर्व अ टॉप स्पिनिंग आपने कभी टॉप को देखा होगा लट्टू जिसे आप बोलते हो राइट right? लट, लट्टू कैसे एक ही तरफ घूमता रहता है है ना जो इसे हम कहते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है है ना कैसे घूमता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ सो इट्स स्पाइनिंग अराउंड अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर उसी के सेंटर पे पासिंग की तरफ से घूमता रहता है सिमिलरली द अर्थ स्पाइनिंग ऑन इट्स ओवन एक्सिस उसी तरह जो हमारा अर्थ है वो भी उसी की सतह पे एक्सिस पर घूमता रहता है मैंने आपको बताया था एक्सिस मतलब जहाँ पे वो खड़ा है उसी जगह पे गोल गोल घूमना स्पाइनिंग करना ओके द स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ओके सो द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इन ट्वेंटी फोर हावर्स जो हमारा अर्थ है वन रोटेशन कंप्लीट करने में ट्वेंटी फोर हावर्स का टाइम लगाता है ओके बट इसका एग्जिट टाइम क्या है ट्वेंटी थ्री हावर्स थर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स सेकेंड एंड फोर मिनट ओके इट दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड सोलर डे इसे इस जो कम्प्लीट करता है एक दिन जो 24 फोर हावर्स में से हम कहते हैं सोलर डे ओके द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट और इसी रोटेशन के कारण हमारा जो दिन होता है डे होता है और रात होती है वो कैसी होती है सो so, हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन इट इज़ द रोटेशन दैट कॉज डे एंड नाइट इसी के कारण होता है डे एंड नाइट वे एट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस जब भी हमारा अर्थ एक अपने एक्सिस पे गोल घूमता है ओनली हाफ ऑफ द गैट इज लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम तो सन की जो रेज़ होती है वो सन उससे बहुत थ्री आ, हमारे थर्ड प्लैनट है हमारे सोलर सिस्टम में है ना तो उस थ्री लेयर से जब घूमता है तो जब सन उसके से जब सामने आता है है ना तो उसकी रोशनी डायरेक्ट हमारे सन पे नहीं गिरती है। तो उसकी जो एग्जिस्ट हमारे टॉपिक ऑफ जो हमारा जो इक्वेटर है उस पर जब लाइन रेज गिरती है तो तब होता है हमारा डे टाइम बट जो अदर पार्ट्स रिमेन हो जाता है मतलब जो अदर पार्ट्स बच जाता है एक ही फेस पर हमारा सन उसको फेस कर पाता है उसका जो अदर सरफेस है उस पर वो सन की रोशनी नहीं गिर पाती है तो वहाँ पर क्या हुआ नाइट टाइम ओके सो ऑन द हाफ ऑफ द इट्स गेट्स लाइट एंड द फ्रॉम द सन एट द टाइम सो दिस इज़ द वाइज सम कंट्रीज एक्सपीरियंस डे टाइम इसलिए सब कुछ कंट्रीज़ ऐसा होता है कि वहाँ पे डे टाइम होता है दिन होता है तो अदर कंट्री ऐसा होगा जहाँ पे आपकी रात होगी नाइट होगी ओके okay? आपने ऐसे बहुत सारी जगह होगी या फिर आपने फ्रेंड से पूछा होगा जो हमारे इंडिया से बाहर रहता हो तो उसने कभी आपको बताया भी होगा कि हमारे यहाँ पे तो रात हुई है या अभी हमारे घड़ी में सपोज सिक्स ओ क्लाक हुआ है तो वहाँ पे कुछ नाइन या टेन क्लॉक हुआ होगा है ना बिकॉज ऑफ रोटेशन ओके सो दिस इज़ वाई द सम माई कंट्रीज एक्सपीरियंस डे टाइम वाइल द अदर कंट्रीज ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस नाइट टाइम ओके बिसाइड कॉसिंग डे एंड नाइट रोटेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाइंड एंड ओशन करेंट ओके सो इट इज़ कॉस डाइट विच इज हैज द रिदमिक राइस एंड फॉलो द ओशन वाटर एंड ऑक्यूटवाइजर डे इसी के साथ साथ हमारे जितने ओशंस हैं जो कॉन्टिनेंट्स है उसी के साथ साथ चलते रहते हैं ओके okay? तो जैसे ही अब आप इतना रिमेंबर दैट कि जो सन होती है उसकी जो डायरेक्ट रेस जब हमारे अर्थ पे गिरती है तो डे होता है और जब जब हमारा जो अर्थ स्पाइन करने लग जाता है तो हमारा अर्थ किसके साथ किस दिशा सा, में आ जाता है जब घूमते घूमते वेस्ट से वापस ईस्ट की तरफ आता है मैंने आपको बताया था है ना तो जब सन रेज चली जाती है तो हमारा नाइट होता है और अदर कंट्री में उस टाइम पे डे होगा ओके okay? नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया था इसमें दो दो टाइप्स के मूवमेंट्स हैं फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवॉल्यूशन ओके सो वॉट इज द रिवॉल्यूशन सो द अर्थ नॉट ओनली मूव अराउंड इट्स एग्जिस्ट जब हमारा अर्थ सिर्फ उसी की एग्जिस्ट पर नहीं घूमता है रोटेशन होता है वो उसी की एग्जिस्ट पर घूमता है ओके okay? राउंड करता है बट अर्थ अपने अपने एग्जिट पर घूमने के साथ साथ जो हमारा सूर्य है उसकी ऑर्बिट में भी घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं रिवॉल्यूशन ओके सो बट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट ओके सो दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट्स कॉल्ड ऑर्बिट ओके इट इज़ द ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ओके रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है रिवॉल्यूशन Re के कारण हमारे जो सीज़न होते हैं ऑटम समर विंटर एंड स्प्रिंग ये सीजनस होते हैं है ना तभी हम ये चार सीजन महसूस कर पाते हैं कि हमारे सीजन कैसे बने बिकॉज ऑफ सन रेस ओके सो द अर्थ टेक्स थ्री सिक्सटी फाइव एंड वन एंड हाफ़ डेज यू नो दैट कि हमारा जो अर्थ है वो जब सूर्य की परिक्रमा करता है उसके उसके आस पास चक्कर लगाता है तो हमारे जो कितने दिन का टाइम लगता है थ्री सिक्सटी फाइव वन एंड हाफ जैसे हम हाफ uh, डे में काउंट करते हैं है ना लाइक अ सिक्स आवर ओके तो जब ये सिक्स हावर्स या वन एंड फोर्थ डे जब फोर ईयर्स में काउंट होता है तो पूरा एक वन डे बनता है ओके okay? सो so, ये वन डे जब इंक्लूड होता है थ्री सिक्सटी फाइव डेज में तो हाउ मेनी डेज हो जाते हैं थ्री सिक्सटी सिक्स डेज सो इट्स कॉल्ड द लीप ईयर ओके रिमेंबर दैट द अर्थ टैक्स थ्री सिक्सटी फाइव एंड वन एंड हाफ डेज वन ईयर इज टू कंप्लीट इट्स मूवमेंट अराउंड द सन एंड जब अर्थ खुद की दिशा में एग्जिस्ट करता है तो उसे कितना टाइम लगता है ट्वेंटी फोर हावर्स का राइट सिक्स हावर्स सेव्ड एवरी ईयर मेक वन डे जब ये सिक्स हावर्स हर जगह आवर्स जब uh, हर ईयर्स uh, में काउंट होता है तो इसमें कित, कितना बन जाता है ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी हावर्स फोर आवर्स मीन्स वन डे ओके तो वन द स्पेन ऑफ द फोर ईयर दिस आर एडेड द मंथ ऑफ फेब्रुवरी तो ये कब ऐड होता है फेब्रुवरी में ओके okay? बिकॉज उसी दिन होते हैं ट्वेंटी एट डेज और जब वन ईयर काउंट होता है तो उसी में ज्वाइंट होता है इसलिए so, वो दिन कितना हो जाता है ट्वेंटी नाइन डेज ओके तो दस द आफ्टर एवरी फोर ईयर फेब्रुवरी हैज़ ट्वेंटी नाइन डेज तो इंट इज़ एट द ऑफ द ट्वेंटी एट डेज़ ओके तो इस कॉल्ड द सच इज द इयर इज कॉल द ईयर ओके जब ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं ईयर सो अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन ओके दिस इज द पार्ट हैज़ द नाइट इट इज द बिकॉज ऑफ द दैट द वेन इट इज द डे इन इंडिया इट इज नाइट इन अमेरिका ओके सो द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एग्जिस्ट वी नो अबाउट दैट द दे फोर द सन अपीयर्स टू द राइज इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट इसलिए सन ईस्ट में उगता है और वेस्ट में अस्त हो जाता है राइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में ओके okay? तो सीजन हाउ मैंने आपको बताया सीजन कैसे बने द टील एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एंड इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन कॉज सीजन ओके सो दिस एग्जिस ऑलवेज पॉइंट इन टू द नॉर्थ ओके द हैज द वैंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एट द सेंटर एंड द कर्टे टाइम्स ऑफ द ईयर एदर द नॉर्थन एमिसफियर एंड द साउथर्न एमिसफियर इज बैंड टू टूअर्ड द सन एट अदर टाइम बोथ द हेमिस्फेयर आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो द हेमिसफेयर दैट द टील टूआर्ड द सन गैट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड सो इट इज़ द व्मर जब डायरेक्ट रेज पड़ती है सन की तो वह जगह पे क्या होता है हेमिसफियर के कारण जो हमारे सीजन है वो बदलते रहते हैं ओके okay? किसके कारण रिवोल्यूशन के कारण ओके यू सी इन द पिक्चर्स ओके सो एट दिस टाइम द अदर हेमिसफियर दैट इज़ अवे फ्राम द सन एक है अगर हेमिसफियर सपोज नॉर्थन हेमिसफियर अगर सन की रेस गिर रही है तो अदर हेमिसफियर क्या होगा साउथन हेमिसफेयर उस सन की रेस से बच गया राइट right? तो वहाँ पर क्या होगा डार्कनेस होगी है ना सो द वे फ्रॉम द सन गेट्स लैंडिंग रेस ऑफ द सन ओके तो हैज़ द रिसाइड द लेस हीट तो वहाँ पे हीट डायरेक्ट नहीं पड़ेगी और वो वहाँ पे जो हीट की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा कम होगी इट हैज़ द शॉर्ट डे इस कारण से वहाँ के जो दिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं शॉर्टर हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है द लॉन्ग नाइट इट हैज़ विंटर ये कब होता है विंटर में ओके सो हम डिटेल में पढ़ते हैं सो दिस इज द सिचुएशन गेट द रिवर्स अबाउट द सिक्स मंथ्स लेटर ओके टेक अ ऑन इंडिया नॉर्थन हेमिसफेयर एंड न्यूजीलैंड साउथन हेमिसफियर ओके सो वी फाइंड दैट द वेन इंडिया हैव हैज़ विंटर एंड द न्यूज़ीलैंड हैज़ द समर अगर आप देखोगे कि जो हैमिसफियर है हमारे नॉर्थन हमिस्फेयर में अगर विंटर है सॉरी समर uh, है तो हमारे जो इंडिया है हमारे जो साउथर्न एरिया आ जाएगा उस टाइम पे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी विंटर हो जाएगी इन डिटेल वी लर्न अबाउट द पिक्चर ओके सी आप देख रहे हैं सन ओके सन की रेस डायरेक्ट गिर रही है इस इस तरफ राइट right? ये फर्स्ट पार्ट है अंदर का इंटरनल इंटरनल पार्ट पे सन की रेज डायरेक्ट गिर रही है है ना बट जो बाहर है राइट जिसे हम साउथ कहते हैं ऊपर का पोल क्या होता है नॉर्थ और नीचे का पोल होता है साउथ राइट उसी तरह सेम ईस्ट एंड इधर इज वेस्ट तो ईस्ट वाला पार्ट आ रहा है सन की तरफ राइट इधर वेस्ट का पार्ट आ रहा है इधर साउथ का पार्ट आ रहा है और इधर तरह इस तरफ नॉर्थ का पार्ट तो यहाँ यहाँ सन की रेस डायरेक्ट गिर रही है बट इसका जो अदर साइड है ये वाला पार्ट ये वाला राइट ये पार्ट सन से दूर हो गया है है ना ये हमारा मून है सो तो इसके कारण क्या हुआ जो सर फर्स्ट पार्ट जो सन की रेस गिर रही इसके कारण ये सीजन बन गए राइट कैसे बने आई विल शो यू ओके सो हियर द फर्स्ट वन इज नेदर टू अर्थ एग्जिस्ट द टील टूअर्ड द सन बोथ हेमिस्फ़ियर रिसीव द सम अराउंड द एनर्जी अगर फर्स्ट में अगर आपने देखा कि नॉर्थन हेमिसफेयर में वेट सपोज यहाँ साउथर्न हेमिसफेयर में विंटर है तो यहीं पे उसी तरफ नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होगा समर सीज़न होगा राइट सेम एज अगर यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईस्ट में हेमिस्फीयर में समर uh, है तो इस जगह पे क्या होगा विंटर ओके okay? अगर सपोज यहाँ पे समर है तो इस जगह पे क्या होगा विंटर उसी तरह से हमारे दो सीज़न और हैं ऑटम और ऑटम एंड स्प्रिंग ओके सो वो कैसे होंगे उसके बारे में पढ़ते हैं अब हमारा अदर साइड देखना है ये तो हमने अंदर जहाँ पे सन की रेस गिर रही है उसके बारे में पढ़ा अब इसके आउटर साइड पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में पढ़ते हैं ओके सपोज द विंटर सॉल अगर यहाँ पे विंटर है ऑन डिसम्बर ट्वेंटी वन को ओके तो वहाँ पे कैसा होगा जो नाइट टाइम हो गया वहाँ पे सन की रेस डायरेक्ट गिरी राइट तो उसके कारण क्या हुआ हमारा जो दिन हुआ वो बढ़ गया है ना और रात कैसी हो गई छोटी हो गई उसी तरह से सपोज़ अब जून में जाएंगे तो हमारा दिन क्या हो जाएगा लंबा होता जाएगा और रातें छोटी हो जाएगी है ना और उसे जब विंटर में ये चीज़ आएगी तो हमारा ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर को जो रात होगी जो हमारा डे नाइट टाइम होगा वो लंबा हो जाएगा और डे टाइम कम हो जाएगा मतलब जो दिन है वो कम हो जाएगा है ना डे दिन का जो टाइमिंग और जो नाइट का टाइम है वो लंबा होता जाएगा ओके okay? सो so, यहाँ पे विंटर है वेट यहाँ हमारा विंटर सॉल है तो यहाँ हमारा समर होगा ओके सपोज नॉर्थन हेमस्फियर में अगर आ, विंटर है तो साउथन हेमिस्फीयर में क्या होगा समर ओके सेम इस यहाँ अगर ऑटम है तो यहाँ क्या होगा स्प्रिंग ओके okay? ये दिशाएं हमेशा चेंज होती रहेगी सब किसके रेस के कारण सन की रेस के कारण ओके इंड द नेदर द अर्थ एग्जिस्ट ऑन द टिल टुवार्ड द सन बोथ हेमिस्फीयर रिसीव द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ओके सेम एज द ट्वेंटी फर्स्ट जून समर सॉलस्टाइल दिन हमारे लंबे हो जाएंगे और आते छोटी तो नॉर्थ हेमिसफेयर

और उसी समय ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी टू सेप्टेम्बर को अगर नॉर्थन हेमिसफियर में स्प्रिंग है तो साउथर्न हेमिसफियर में क्या होगा ऑटम ओके सो ये चैप्टर ही था कि रिवॉल्यूशन हाँ, के कारण हमारे सीजन डिसाइड होते है ना और रोटेशन के कारण हमारा डे और नाइट टाइम देखो हमने देखा जैसे सन घूमता गया ये सन सॉरी ये हमारे बीच में जो सन दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का है ना जैसे जैसे इसके पा, आसपास हमारी जो पृथ्वी हमारा जो अर्थ है तो उसपाइन करता रह तो रहा है तो हमारा जो मून के जहाँ पे जहाँ पे रखा है तो वो उसकी दिशाएं बदलता रहेगा है ना इसलिए वहाँ पर डे और नाइट होगा राइट उसी तरह से रिवोल्यूशन हुआ अब डे एंड नाइट प्रोसेस कैसे हुआ उसकी ये घटना कैसी बनी आपको कैसे पता चलेगा तो द रोटेशन ऑफ़ द अर्थ द साइड ऑफ द अर्थ दैट इज फेसिंग द सन हैज़ डे नाइट ओके द साइड ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट ओके सो इट हैज़ ट्वेंटी फोर हावर फ्रॉम द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन इसे कितना टाइम लगा ट्वेंटी फोर हावर्स का द अर्थ टिल ऑन इट्स एक्सिस एट द ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री एंगल हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा टेढ़ा है ना वो किस एंगल पर एग्जिस्ट करता है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री पे है ना सो द अर्थ टिल टिट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ स्टार ये हमेशा किस एरिया में डायरेक्शन में घूमता है नॉर्थ स्टार में ओके सो रिमेंबर दैट we have two other season spring and autumn हमने summer और uh, winter के बारे में पढ़ा उसी के अलावा उसके अलावा दो season और है spring and autumn this season are experienced when both hemisphere are at an equal distance from the sun okay when the northern hemisphere has autumn मैंने आपको बताया था and the southern hemisphere experience experience spring okay this situation gets the reverse after सिक्स month ये कब होता है हर uh, हमेशा सिक्स month के बाद सो पोजिशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन एंड नॉर्थन हेमिसफेयर एंड साउथन हेमिसफेयर सो नॉर्थन हेमिसफेयर इज टील टूवर्ड द सन अगर नॉर्थन हमिस्फेयर है सन के सामने तो वहाँ पर क्या होगा नॉर्थन हेमिसफेयर में समर होगा और सेम है साउथर्न हेमिसफेयर में विंटर होगा एंड बोथ हेमिसफेयर आर एट एंड इक्वल डिस्टेंस अगर बोथ हेमिसफेयर एक ही डिस्टेंस पे टील करते हैं तो वहाँ पर ऑटम होगा या नॉर्थन हेमिसफेयर में ऑटम होगा और साउथ हेमिसफेयर में स्प्रिंग होगा ओके सेम है साउथर्न एमोस्फेयर टिल टुआर्ड द सन तो फर्स्ट नॉर्थ में विंटर होगा और साउथ में समर और बहुत अगर डिस्टेंस सन के सामने होगी तो स्प्रिंग होगा नॉर्थ में और साउथ में ऑटम होगा ओके एट द पोल्स व्हेन द नॉर्थन एमोस्फेयर इज टिल टुवार्ड द सन सो नॉर्थन एमोस्फियर ओके द नॉर्थ पोल इज सनशाइन ऑल द टाइम एंड द साउथ पोल हैज द नाइट ऑल द टाइम ओके सेम इज नॉर्थ इट्स नॉर्वे इज कॉल्ड लैंड ऑफ द मिड नाइट सन नॉर्थ नॉर्थ को नॉर्वे को हम क्या कहते हैं मिड नाइट सन के नाम से भी जानते हैं लैंड ऑफ द मिड नाइट सन एज द सन नेवर सेट यर ड्यूरिंग द समर यहाँ पे जो समर का सीजन होता है तब हमारा जो सन है वो सेट uh, नहीं होता है मतलब अस्त नहीं होता है ओके सर दिस प्लेस हैज़ द डे ऑल द टाइम ड्यूरिंग द पीरियड जिसके कारण पूरा दिन वहाँ पर नाइट होती ही नहीं है उस दिन ओके okay? इसलिए इसे कहते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन इसे हम इसलिए जब रात के टाइम पे सूर्य अस्त नहीं होता है तो इसे कहते हैं मिडनाइट सन ओके सेम एज एट द इक्वेटर मैंने आपको बताया इक्वेटर क्या है राइट right? फॉल uh, जो हमारे अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है उस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर सो द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर जब सन की रेज जो सन की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर गिरती है तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल दैट इस वाई प्लेस नियर द इक्वेटर आर ऑलवेज हॉट तो वो प्लेस क्या हो जाएगा हमेशा के लिए गर्म हो जाएगा हॉट हो जाएगा देयर आर नो मेजर चेंजेस इन सीजन ऑफ द प्लेस तो उस जगह पे जो भी आ, सीजन हो रहे हो वो वहाँ पे चेंज नहीं होंगे ओके और उस इक्वेटर की लाइन पे जो भी कंट्रीज आ रही होगी वहाँ पे हमेशा क्या होगा गर्म ही होगी वो सीज़न है ना या फिर समर भी करेगा वो लोग या फिर स्प्रिंग पर वहाँ पर जो गैस जहाँ पे वहाँ पर सीजन होगा वो क्या होगा बहुत ज़्यादा गर्म होगी ओके So here we finish our chapter. Here are the hard words: unique existence, temperature, spinning, structure, matter, molten, rotation, revolution, and hemisphere. So dear student, here we finish our chapter, our heart. We learn about the imaginary lines, the beginning of earth, and internal structure of the earth, season, rotation, and revolution okay so i hope so you like the the chapter take care and be safe be careful